Welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh, and in this video tutorial I am going to discuss about the solution of Part C problems related to the CSIR-UGC-NET JRF examination December 2018. ठीक है, Part A के solutions के बारे में मैंने discuss किया था. अब मैं discuss करने वाला हूँ Part C के जो questions पूछे गए हैं उनके solutions के बारे में, और उनके क्या answers होंगे और उनको कैसे solve करेंगे आप. You can follow me on Unacademy and you can join us on the Facebook. The name of Facebook group is Smart Learning Academy. The link is given in the description for the both Unacademy and for the Facebook. So let's see those questions and how to solve them and what are the answers for those questions. Question number 71 hai. Question ek bar read kariye. Question kya hai ki a single protofilament of micro tubules grows at speed of 2 micrometer per minute. Considering that there is no catastrophe in the microtubule nucleation and the size of tubuline unit of the order of 5 nanometer. ठीक है, उन्होंने क्या किया, microtubule grows का जो रेट है, स्पीड जो बताया 2 micrometer per minute है, जो tubuline यूनिट का साइज है वो 5 nanometer है. देन उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ट्यूबलिन यूनिट्स आर एडेड टू ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल पर मिनट. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सॉल्यूशन क्या होगा कि सिंगल प्रोटोफिलामेंट का जो रेट है, ठीक है, वो रेट क्या है, 2 micrometer per minute. एंड ट्यूबलिन यूनिट का साइज कितना है, 5 nanometer. तो पूछ रहे कितने नंबर रिक्वायरमेंट होंगे, तो आपको जो रेट है उससे एक यूनिट को डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर. जैसे 2 micrometer इज़ द रेट डिवाइडेड बाई 5 nanometer, ये नैनोमीटर है, याद रख रहिएगा. ठीक है, तो माइक्रो मतलब 10^6 एंड नैनो मतलब 10^-9. माइक्रो मतलब 10^-6 एंड नैनो मीन्स 10^-9. ये 10^-9 ऊपर जाएगा तो 10^+9 में कन्वर्ट होगा, -6 से -6 कैंसिल होकर 10^+3 ऊपर बचेगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 400. तो 71 का आंसर क्या होगा, 400. ठीक है, दैट इज फर्स्ट आंसर. मूव करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ. जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन. ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स ऑन द बीटा टर्न्स. पूछा है कि ऑल द 20 कोडेड अमीनो एसिड हैव इक्वल प्रोपेंसिटी टू फॉर्म बीटा टर्न्स. सेकंड, प्रोलीन कैन नॉट अकर इन बीटा टर्न्स. थर्ड, प्रोलीन ग्लाइसिन सीक्वेंस स्ट्रांगली फेवर्स द बीटा टर्न्स. एंड डी ऑप्शन में इन एस्पेराजिन ग्लाइसिन बीटा टर्न्स एस्पेराजिन कैन हैव पॉजिटिव साई एंड फाई वैल्यू. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए क्या, कि इसमें देखिए अगर 20 अमीनो एसिड की प्रोपेंसिटी होगी, ठीक है, तो बाकी जो यहाँ पे है सी ऑप्शन वो गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें बोला है कि स्ट्रांगली फेवर कर रहे हैं. तो बीटा टर्न्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि लिखा हुआ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन बीटा टर्न्स. प्रोलीन बिकॉज इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इज आइडियली सूटेड फॉर द बीटा टर्न्स एंड ग्लाइसिन बिकॉज विद द स्मॉलेस्ट साइड चेन एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस इन द ग्लाइसिन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो प्रोलीन और ग्लाइसिन बीटा टर्न्स में बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं. ठीक है, अगर आपको सोर्स जो मैंने दिया है आप यहाँ से जाके इस साइट से देख सकते हैं. ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है बीटा टर्न या जो भी है आप उससे रिलेटेड स्टडीज़ कर सकते हैं. ठीक, तो इस हिसाब से इस कंक्लूजन से आपको क्या मिलता है कि सी मस्ट बी द आंसर. सी तो करेक्ट है. जब सी करेक्ट है आपका तो उस हिसाब से क्या है कि सी सिर्फ दो ऑप्शन में ए सी एंड सी डी. अब ए जब प्रोलीन और ग्लाइसिन ज़्यादा पाया जा रहा है तो 20 के 20 अमीनो एसिड ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे क्योंकि प्रोलीन और ग्लाइसिन ज़्यादा फेवर हो रहा है. तो ए ऐसे भी गलत हो जाएगा. ऑल 20 अमीनो एसिड्स डजंट हैव द इक्वल प्रोपेंसिटी टू फॉर्म द बीटा टर्न्स. ठीक है, जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वो एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी में नहीं होते बीटा टर्न्स में. ठीक है, तो ए गलत हो जाएगा, सी करेक्ट है और डी करेक्ट होगा. क्लियर है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर वॉज फाउंड टू बी 47 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर टू बी फाउंड 47 डिग्री सेंटीग्रेड, इनथैल्पी मेजर्ड एट टीएम, टीएम क्या है मेल्टिंग टेम्परेचर, वॉज 0.03 किलो जूल। ठीक है, दिया हुआ है कि मेल्टिंग टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी इंथैल्पी है 0.03 किलो जूल, तो इंट्रोपी क्या होगी। ठीक है, अगर आपको इंट्रोपी का फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। वो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मेल्टिंग टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब भी थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, रिएक्शन रेट के प्रॉब्लम सॉल्व करो आप, तो टेम्परेचर किस में लिया जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। मतलब आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीग्रेड को, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 273 आप ऐड करोगे 47 में, तो यू विल गेट 320 केल्विन। ठीक है, इंथैल्पी दिया हुआ है कितना, 0.03 किलो जूल। अब इंट्रोपी क्या होती है, इंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, दैट इज इंथैल्पी, इंट्रोपी इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाई द टेम्परेचर चेंज। तो इंथैल्पी की वैल्यू रखिए 0.03 किलो, 0.32 किलो जूल डिवाइडेड बाई द डेल्टा टी या टेम्परेचर चेंज, दैट इज 320 केल्विन। आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का आपको ऊपर 10^-4, नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 320 में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे का 10^4 ऊपर जाएगा तो 10^-4 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1:10^-4। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आप इसको करेंगे और आप इसको सोल्यूशन मिल सकता है। ओके, क्लियर है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 76 नंबर। मैच द फॉलोइंग विथ देयर अप्रॉक्सीमेट एनर्जीज। ठीक है, बॉन्ड्स दिए हुए हैं उनके अप्रॉक्सीमेट एनर्जी से रिलेटेड पूछना है। एज फॉर द रेफरेंस मैंने एक यहाँ पे आपको इमेज दिया है जो कि आप इसकी सोर्स भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके इस इमेज को देख सकते हैं, बाकी जो अट्रैक्शन एनर्जीज होती हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इस क्वेश्चन को अगर आप कोवेलेंट और आयनिक के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि क्योंकि आयनिक बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जनरली माना जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ आयनिक इंट्रैक्शंस वीक होते हैं तो उस केसेस में कोवेलेंट की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो, लेकिन आपको एक चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि जो सबसे वीक फोर्स होता है वो होता है वॉन्डर वॉल। ठीक है, सबसे वीक फोर्स होता है वो वॉन्डर वॉल होता है। तो वो यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से भी देख लीजिए, वॉन्डर वॉल सबसे नीचे जिसके कि एक से कम एनर्जी होती है, तो यहाँ पे वॉन्डर वॉल बी ऑप्शन में है, उसकी एनर्जी एक से कम होनी चाहिए, सबसे कम दैट इज़ 0.5 किलो कैलोरी। ठीक है, तो बी का फर्स्ट आंसर होगा, तो वो आपको सेकेंड में भी मिल रहा है और फोर्थ में भी मिल रहा है। अब हम बात करेंगे एक ही देख लीजिए हाइड्रोजन की, 0.5 अगर वॉन्डर वॉल को है तो हाइड्रोजन का 1-10 के बीच में आता है, दैट इज़ 3 किलो कैलोरी। हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्थ होना चाहिए, ए का फोर्थ होना चाहिए और बी का सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा आयनिक बॉन्ड से कम होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 3 किलो कैलोरी, वॉन्डर वॉल फोर्स की 0.05 किलो कैलोरी एंड कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की है 80 किलो कैलोरी एंड आयनिक बॉन्ड की है 40 किलो कैलोरी। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th आंसर होगा। सो अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। एंड जो पार्ट सी के कंप्लीट सॉल्यूशंस है वो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किया, सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे मैं कंप्लीट सॉल्यूशंस अपलोड किया हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो थ्योरीज लेक्चर है मैं वहाँ डिलीवर करता हूँ, तो आप वहाँ अनअकैडमी पे फॉलो करके वहाँ देख सकते हैं बाकी चीज़ें जो भी वीडियोज़ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।